Hi friends, welcome to Digi School. Today we will be solving important question hash group of chapter 7, mathematics. तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हमने important question की सीरीज निकाली है, जिसमें हम आपको important question हर chapter wise प्रोवाइड करवाएंगे, और ये important question NCERT की बुक से नहीं होंगे, और हो भी सकता है कि हो, कंसेप्ट सेम हो, पर कंसेप्ट सेम होने के अलावा क्वेश्चन में थोड़ा क्लिकनेस हो सकती है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज इसे सॉल्व करिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये। तो पहले दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो को आप आई बटन में आकर देख सकते हैं, मैं डाल दूँगा वहाँ पर। और यहाँ पे पहला दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 21 एंड 5-1 इज ट्रांसेक्टेड बाय द पॉइंट पी एंड क्यू। इफ द पॉइंट पी लाइन ऑन द लाइन 2x-y + k इक्वल 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो एक क्वेश्चन लिखने हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आंसर 1। ओके आंसर तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। अब हमें दे रखा है कि एक लाइन सेगमेंट है। पहले देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ पेपर में, जो भी आप करेंगे तो नीचे एक बार शुरुआत में एक डायग्राम बना लीजिए, रफ डायग्राम बनाइए या फिर डायग्राम बनाइए, एक डायग्राम जरूर बनाइए। अब डायग्राम का फायदा क्या होता है, डायग्राम को देख के आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाते हैं, आप क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी आपकी, और क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो प्लीज एक बार डायग्राम जरूर बनाइए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये। अब हमें ये रखा है कि एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे बना लेते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, अब इसके दो पॉइंट हैं, नेक्स्ट सपोज कि ये पहला वाला जो पॉइंट है ए है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है 21, और ये जो एंड पॉइंट है ये 5-1 इसके कोऑर्डिनेट। अब कहीं दो जगहों पे, ठीक है, कहीं दो जगहों पे ये जो है हमारी लाइन सेगमेंट है ट्रांसेक्ट हो रही है, मतलब ट्रांसेक्ट, देखिए एक होता है बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट मतलब होता है कि एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ट्रांसेक्ट मतलब होता है कि एक लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। नेक्स्ट सपोज कि मैं लाइन लेता हूँ, ठीक है, 9 सेंटीमीटर की, एक मैं 9 सेगमेंट लेता हूँ 9 सेंटीमीटर का, अगर मैं उसे बाइसेक्ट करूँगा तो जो दो पोर्शन निकलेंगे वो होंगे 4.5 सेंटीमीटर ईच, है ना। अब अगर मैं कहूँ ट्रांसेक्ट करते हैं, ट्रांसेक्ट मतलब होता है कि 9 सेंटीमीटर की 9 सेगमेंट हो गई। अभी 9 सेगमेंट जब ट्रांसेक्ट की जाएगी तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी, और ये 3 पार्ट होंगे 3 सेंटीमीटर के, 3+3+3, है ना, और ये तीनों पार्ट इक्वल हुए। तो ऐसे ही होता है हमारे, इसे कहते हैं हमारे ट्रांसेक्ट करना। तो यहाँ पे दो पॉइंट ट्रांसेक्ट कर रहे हैं, एक पार्ट ये हो गया ए पी, एक पी क्यू और एक क्यू बी, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अभी मैं पी को इस तरफ ले रहा हूँ, ए के पास ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें हमारे पास दो केस होंगे, ये जो हम बात करेंगे अभी शुरुआत में ये केस 1 की बात होगी, ठीक है, केस 1 की बात होगी, केस 2 की बात भी होगी, उसमें क्या करेंगे, ये जो पी है पी को यहाँ लेंगे, ठीक है, क्यू की जगह पे, और क्यू को पी की जगह पे। ओके, अब हमें लिखा है, हमें बता रखा है कि एक लाइन, ये जो पी पॉइंट पी है, एक लाइन पे लाई करता है, ठीक है, एक लाइन पर लाई करता है विच इज 2x-y = k, ठीक है, ये जो लाइन है ये, इसकी हमें वैल्यू बता रखी है कि ये हमारी लाइन है। ओके, और ये पॉइंट पी इस पे ही लाई करता है, और यहाँ पे ए बी पे भी लाई करता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इस k की वैल्यू, ये k है ना, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको आप कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे देखें ना, तो ये
अगर हम इन्हें ये तीन पार्क है तो हमें लिखता है कि ये वन वन और वन ये तीन पार्क ड्राइंग होंगे, वन प्लस वन प्लस वन और तीन सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं कि पी डिवाइड ए बी इन रेशो वन रेशो टू। मैंने क्यों कहा, देखिए ये पार्क मैंने वन ले लिया ये ए पी और ये पार्क भी वन है कि ये तो कैंसिल कर रहे हैं ना, मतलब ये तीनों सेम है। तो अगर मैं इस पॉइंट को एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये वन और ये वन प्लस वन क्योंकि पी पी बी है ना, पी बी क्या है पी क्यू प्लस क्यू बी, तो हमारा वन प्लस वन आ गया। तो वन रेशो टू में डिवाइड हो रहा है ठीक है, अब हमें रेशो पता चल गया। ये केस वन की बात है, यहाँ पर दो केस होंगे और उन दोनों केस को मैंने चंगा है कि अगर आप पेपर में किसी एक केस को काउंट कर देते हैं और दूसरे को नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्लीज अपनी दोनों केस को काउंट करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब क्या करना है हमें, अब हमें रेशो पता चल गया, अब बहुत आसान है। अब हमें यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ठीक है, और यहाँ पे हेयर x1 इक्वल टू है, y1 इक्वल वन है, x2 इक्वल फाइव, y2 इक्वल माइनस एक, m1 इक्वल वन और m2 इक्वल टू। ओके, अब हमें जो एक रेशो का बता हमने पढ़ा था कि अगर हमें लाइन सीमेंट के दो को अग्नि दे रखे हैं एन पॉइंट के और रेशो बता रखा है, तो हम जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे वही करेंगे, तो क्या था वो फॉर्मूला, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ठीक है, और फिर एम वन वाई टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेंगे, एम वन की वैल्यू क्या थी हमारी वन थी और एक्स टू क्या थी फाइव, तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा, फाइव प्लस एम टू की वैल्यू क्या है टू और एक्स वन की वैल्यू है टू, तो यहाँ पे फोर आ जाएगा, और वन प्लस टू कितना होता है थ्री, एम वन वन है और एम टू टू है, तो मैं थोड़ा जल्दी निर्देशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे भी एम वन एम टू दो थ्री रहेगा, अब एम वन वन है वाई टू माइनस एक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक प्लस एम टू टू है और वाई वन वन है, तो यहाँ पे टू आ जाएगा ठीक है। अब हम क्या इन्फॉर्म करते हैं, तो फाइव प्लस फोर होता है नाइन, ये भी कर लेते हैं, नाइन अपॉन थ्री होता है थ्री और माइनस सिक्स प्लस टू होता है सिक्स अपॉन थ्री होता है टू, तो ये हमारे आगे कोऑर्डिनेट पी पॉइंट के ठीक है। तो इफ पी एक्स वाई इक्वल पी थ्री और टू, हाँ ये माइनस एक प्लस टू है मतलब माइनस टू आ जाएगा क्योंकि माइनस अपॉन थ्री क्या होता है माइनस टू होता है ना, माइनस अपॉन थ्री होगा माइनस टू, अब यहाँ पे माइनस टू लिख लेते हैं। अब मैं क्या निकालना था टू, हाँ टू एक्स माइनस वाई प्लस के, सिंपली यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, एक्स की वैल्यू ये है वाई की अभी इसमें ये है, तो टू इंटू थ्री माइनस माइनस टू प्लस के इक्वल जीरो, सिक्स प्लस फोर प्लस के इक्वल जीरो, के इक्वल माइनस टेन ठीक है। ये हमारा केस वन की बात है कि हमने केस वन में ये निकाला तो हमारा माइनस टेन आंसर आ रहा है। अब केस टू में क्या बताया था मैंने आपको कि केस टू करेंगे हम, आपको मैंने शुरुआत में बता दिया था कि केस टू में क्या करेंगे हम कि ये पी पॉइंट का इसको यहाँ लिख देंगे है ना,
पी को हम यहाँ कर देंगे। तो मैं जल्दी से आपको एक डायग्राम वहाँ बना के दिखा देता हूँ कैसे होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये हमारी फिगर बनेगी, ठीक है। और ब्रेक फॉर अ मिनट, हमने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी कि मैंने यहाँ पे माइनस माइनस वन दिख, मैंने यहाँ फोर लिख दिया, एक्चुअली फोर नहीं, यहाँ पे टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस निकल जाएगा, ठीक है, ये हमारा माइनस निकला अंक। तो सॉरी फॉर गलती हो गया, क्योंकि वो मैं सुना कि ट्वेंटी टू करेंगे फोर आएगा, तो दैट वाई गलत हो गया, पर ये है हमारा की अंकल के टू माइनस के, ठीक है। अब के टू की बात करेंगे, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि के टू में क्या होगा कि हम पी को बी की तरफ रखेंगे, पी वुड बी नियर टू बी एंड क्यू वुड बी नियर टू ए, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि पी किस तरफ है, ए के पास है बी के पास है, इन केस में बताया होता कि हाँ पी ए के पास है बी के पास है कहाँ है, तो हम सिर्फ एक चेंज करते और हमें इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पर ये हो रहा है कि हमें हमें दो केक निकालने पड़ रहे हैं, हमें दो केक की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, वन रेशो टू किया था, है ना। तो यहाँ पर यह हमारा टू रेशो वन, सिंपल है, मैंने कहा था कि ये तीन पार्क में डिवाइड कर रहा है, तो ये अगर कहें तो ये पार्क वन हो गया, ये दो पार्क हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे पी डिवाइड ए बी इन रेशो टू रेशो वन। ओके, अब हमें पता चल गया कि टू रेशो वन में डिवाइड करता है, बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि हेयर एक्स वन इक्वल, बात चलते हैं, एक्स वन हमारा टू है, वाई वन हमारा वन है, एक्स टू हमारा फाइव है, वाई टू हमारा माइनस एट है। हमें कन्फर्म कर लेते हैं, हाँ। और यहाँ पे एक प्रेगनेंट बात करो, एक प्रेगनेंट एम वन हमारा टू है एंड एम टू हमारा वन है। ओके, ये वैल्यूज हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब पी की वैल्यू निकालेंगे, पी के कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे एक्चुअली। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, फिर एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ओके, अब सीधे वैल्यू रखेंगे, एम वन की वैल्यू है टू, टू इंटू एक्स टू फाइव, तो टेन हो जाएगा, टेन प्लस एम टू, एम टू की वैल्यू वन है, एक्स वन की वैल्यू टू है, टू, ठीक है, टू प्लस वन थ्री। अब एम वन की वैल्यू क्या है, टू, और वाई टू की वैल्यू क्या है, वाई टू की वैल्यू हमारे माइनस एक है, तो माइनस फिफ्टीन आ जाएगा, प्लस एम टू की वैल्यू क्या है वन, और वाई वन की वैल्यू क्या है वन, तो यहाँ पर वन आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे थ्री, क्योंकि वन प्लस टू थ्री होता है, ये इजी है। क्वेंग अपॉन में थ्री और माइनस फिफ्टीन अपॉन में थ्री, ठीक है, क्वेंग अपॉन थ्री मतलब थ्री बन गया, थ्री फोर या क्वेंग होता है तो फोर, और यहाँ पे माइनस फाइव आ गया, ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। तो इफ पी एक्स वाई इक्वल पी फोर माइनस फाइव, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ कि मैं कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता रहा हूँ, तो इनकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे उसमें हमारे लाइन के फॉर्मूले में, तो क्या आएगा हमारा टू एक्स क्या हो गया आएगा फोर, यहाँ पे हमारा एक्स ये है वाई ये है, टू फोर या एट माइनस माइनस फाइव, ठीक है, प्लस के इक्वल जीरो, तो एट प्लस फाइव प्लस के इक्वल जीरो, ठीक है, और के इक्वल माइनस थर्टीन,
ओके तो ये हमारा आंसर आ गया, ये केक में माइनस था केक, ठीक है। ये हमारा दूसरी वैल्यू है के की, और इसके पहले में हमने वैल्यू निकालनी थी ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, क्वेश्चन भी इसी था पर हाँ देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जो क्रिक घुमा के आते हैं, तो एक मैंने आपको केक मैंने बताया कि केक कैसे करते हैं, केक फाइंड करते हैं क्या करना है आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, इतने तरीके से करना है। कन्फ्यूजन कहीं हो आपको तो कमेंट सेक्शन में डालिए, अगर आपको कोई और लगता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या हमें उस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए या डाउट है कुछ भी है तो प्लीज़ मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, क्योंकि डाउट बने रहना एक अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो अपने डाउट को क्लियर करिए, और यहाँ पे हम आपके डाउट लेने के लिए बैठे हैं, आप डाउट पूछिए हमसे, मैथ होगा साइंस होगा आपके उसके आंसर देंगे, ओके। तो डाउट में ये मत समझिए कि मैं ही अकेला कुछ पूछ रहा हूँ, डाउट आपका है, आप यूनिक हो, आप पढ़ गए हो इसलिए आप पूछ रहे हो, तो ये मत सोचिए कि आप मैं क्यों पूछूँ, पूछेंगे तो आपके फ़ायदा होगा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम एक संडे सेशन रखेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा हफ्ते भर में, अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो लंबा होगा सेशन, नहीं तो एक दो क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो हम संडे सेशन रखेंगे क्वेरी सेशन, जिनमें हम आपके क्वेरी को जो हफ्ते भर में सबमिट हुई होंगी उनको लेकर सॉल्व करके आपको देंगे, वो लाइव भी हो सकती है लाइव नहीं भी हो सकती है। तो इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के मैंने आप क्यों कहा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, सब्सक्राइब करेंगे तो हम अपने ऐसा ही अच्छा कंटेंट और ला पाएंगे। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि वीडियो सच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अच्छी है तो ये अपने वीडियो अपने दोस्तों का शेयर करिए। अब मैं शेयर करने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ ये वीडियो तो आपने देख ली, हो सकता है कि ये आपके दोस्त की मदद कर दे, तो प्लीज़ अपनी को शेयर भी कर लीजिए और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हाँ इनमें वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, इनमें वैल्यू चेंज होगी, इनमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, पर मोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे ही हम आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी लाते रहेंगे जहाँ तक हमें लगेगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने चाहिए, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।